गाइस, अभी हम वापस आ चुके हैं अपने रूम और आज काफी कुछ देख लिया हमने। अकोला का बस स्टैंड और आसपास का मार्केट हमने एक्सप्लोर किया। इस व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूंगा। तो गाइस, अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपने कॉलेज के पास। अभी यहां पे काफी ग्रीनरी है और वो सामने आप देख सकते हो, ये है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का। और सामने है शहीद स्मारक। ये स्मारक उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जान दे दी थी। एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी को महाराष्ट्र में कहीं और शिफ्ट करने वाले थे, बट उन लोगों के बलिदान से ये यूनिवर्सिटी यहीं पे रही। यहाँ पे ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और वो सामने लेफ्ट साइड पे यहाँ की लाइब्रेरी है और वो राइट साइड में वो रहा हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। वैसे तो गाइस, अभी मेरी क्लासेस नहीं लगने वाली। मैं वैसे ही सीनियर्स के साथ बैठा रहता हूँ पूरे दिन लैब में। कुछ दिनों बाद मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो, ये पीछे यहाँ की लाइब्रेरी और सामने भी मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज की तरफ। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, इसी में मेरी अभी यहाँ पे एडमिशन हुई है। लेफ्ट साइड को हमारा डिपार्टमेंट है। तो गाइस, ये रहे हमारे डिपार्टमेंट के पॉली हाउस और यहाँ पे बहुत सारे पॉली हाउसेज हैं जहाँ पे हमारे फील्ड ट्रायल लगेंगे। अभी मुझे बॉटल लेके जाना है सचिन सर के पास। सचिन सर ने पहले दिन ही मुझे यहाँ का टूर करवा दिया था, तो आई थिंक वो अपने फील्ड में होंगे इस वक्त। चलो देखते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं वीडियो बना रहा था बस व्लॉग के लिए। तो ये है गाइस सचिन सर। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ डीएनए सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, सर का काम है चिकपी पे। ये रही हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी और अभी हम जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सचिन सर आ रहे हैं, चलो। तो गाइस, ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर का नज़ारा। तो यहाँ पर ज़्यादातर टिश्यू कल्चर पर काम होता है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस, ये रही वो जगह जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और आज पोहा और चाय में खा रहा हूँ। अभी यहाँ पे इस वक्त 35-36 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है। धूप में चलना काफ़ी मुश्किल होता है इस टाइम, बट जब इस तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे से छाँव में चलते हैं तो काफ़ी ठंडी हवा आती रहती है। अब बस मैं पहुँचने वाला हूँ अपने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। और गाइस, आज का जो लेक्चर है कैंसिल हो गया। पूरा दिन लैब में बैठूंगा और मुझे अपना रोस्टर फॉर्म फिल करना है, तो वो भी आज फिल कर दूंगा और अपना रजिस्ट्रेशन का वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हियर वी आर बैक टू आवर डिपार्टमेंट। ये रही हमारी लैब। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, अंदर टेबल है, यहाँ पे मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठता हूँ आजकल, क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स हैं वो अभी तक आए नहीं है। तो अपने सीनियर्स के साथ ही बातचीत करता रहता हूँ पूरा दिन और सीखता हूँ इस लैब के बारे में। उनसे पूछता रहता हूँ कि कौन सा काम कैसे होता है और कैसे केमिकल्स काम पे रखे हुए हैं, तो सब कुछ का मुझे आइडिया हो गया है। होपफुली अब रिसर्च में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, ये रहा शेतकरी सदन। इसके सामने ही एक प्यारा सा गार्डन है। यहाँ पे अभी दिन के 12 बज रहे हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा धूप है इस वक्त, ज़्यादा देर बाहर नहीं रह पाऊँगा। काफ़ी अच्छी जगह है ये रुकने के लिए, अगर आप कभी पीढ़ी के भी आते हो तो। अभी मैं अंदर चलता हूँ और अभी मेरा लंच आने वाला है, तो लंच का वेट करना है और उसके बाद आज तो संडे है तो रेस्ट ही करूँगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा गार्डन है, बहुत ही प्यारा सा। अब इस रूम को देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ, ये मेरा हॉस्टल है। वैसी फील आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए 15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। सो गाइस, अभी मैं बाहर घूमने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि जिस रूम में मैं रुका हूँ वहाँ पे 5 लोग गुजरात से आए हैं। वो अपने साथ चाबी लेके चले गए हैं। अभी रूम पे लॉक लगा हुआ है, इस वजह से मैं कुछ अभी कर भी नहीं सकता और मुझे बाहर उनका वेट करना पड़ेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते। शाम के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है, अराउंड 25-28 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है अभी। दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ और वेट करने के बाद रूम में जाके रेस्ट करूँगा, क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो चलिए।